नमस्कार। आज है संडे और आज अपन बात करेंगे आध्यात्म के विषय। आज अपन बात करेंगे हनुमान जी को कलयुग का देवता क्यों कहा जाता है और क्यों कोई मायावी शक्ति हनुमान जी के आगे नहीं टिकती है। इस कलयुग में अगर किसी की भी सबसे ज्यादा अगर किसी की शक्ति काम करती है किसी भगवान की तो वो है हनुमान जी की। ऐसा क्यों और ऐसा वरदान क्यों मिला कि हनुमान जी के सामने कोई भी मायावी शक्ति कितना भी बड़ा राक्षस उनके सामने टिक नहीं पाएगा। एक छोटा सा वृतांत है रामायण का जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटते हैं तब जिन जिन ने प्रभु श्री राम का साथ दिया युद्ध में उनको प्रभु श्री राम कुछ न कुछ उपहार देते हैं। इसमें सुग्रीव को देते हैं, अंगद को देते हैं, निषाद राज को देते हैं और विभीषण को भी उपहार देते हैं। इस बीच में वो हनुमान से भी पूछते हैं कि हनुमान तुमको क्या उपहार चाहिए। तो हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना सा वरदान दीजिए प्रभु कि जब तक इस संसार में आपकी राम कथा प्रचलित होती रहे तब तक मेरे शरीर में प्राण मौजूद रहे। भगवान प्रभु श्री राम हनुमान जी को वरदान देते हैं कि हनुमान बिल्कुल ऐसा ही होगा, इस संसार में जब जब मेरी राम कथा होगी तब तब तुम्हारी छवि अमिट रहेगी और तुम इस कलयुग में भी अमर रहोगे। और साथ में प्रभु श्री राम भगवान हनुमान को यह भी वरदान देते हैं कि कोई भी मायावी शक्ति तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी। कलयुग में ऐसी कोई भी मायावी शक्ति हो, बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति होगी तो भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगी। इसी वरदान के चलते हनुमान आज भी कलयुग में सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं और कहते हैं कि आज कलयुग में भी हनुमान जी जीवित हैं और इसीलिए कलयुग में सबसे ज्यादा लोग हनुमान जी को पूजे जाते हैं। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही आध्यात्मिक विषय हर संडे में आपके लिए लाता रहूंगा।